कनाडा टूरिस्ट विजिटर वीजा बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है जी। वर्क परमिट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, प्रोसेसिंग टाइम देखिए 70 दिन पे पहुंच चुके हैं ऑनलाइन। वीजा ट्रेंड की बात करें, कह रहे हैं कि जी रिफ्यूजल्स बहुत आ रही हैं। क्या आप कनाडा कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आप अब मत आओ, कनाडा का विजिटर टूरिस्ट वीजा मत अप्लाई करो। ये चीजें आप ऑनलाइन वीडियोस में देख रहे हो आज के टाइम में, बट इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि जी अप्लाई करो कनाडा का ना करो, आपको मैं फैक्ट्स बताऊंगा जो मेरे पास है और आपको मोटिवेट करूंगा, एक्चुअल चीजें बताऊंगा कि आज के टाइम में चल क्या रही है, ठीक है। हालांकि हम आज की डेट में वीडियोस थोड़ी सी कम डालते हैं ड्यू टू वर्क प्रेशर, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा एप्लीकेशंस है, हर एप्लीकेशन में मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट इज व्हाई मेरा ज्यादा टाइम जो होता है वो एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने में ही निकल जाता है। दैट्स व्हाई हमारे YouTube चैनल पे आपको रेगुलर वीडियोस हैं जो इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती, बट जब भी हमें टाइम मिलता है हम आपको पूरी फैक्ट के साथ वीडियो है जो अपलोड करते हैं। आज के टाइम में हम बताएं तो आज जो एक वीजा आया है हिमांशी शर्मा जी का, मैंने जो देखी, क्योंकि हमारे भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो जून में लगी थी या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में लगी थी वो भी पेंडिंग है, बट इनका वीजा है जो हिमांशी शर्मा जी का आ गया और मुझे भी यकीन नहीं हुआ, हिमांशी जी को भी यकीन नहीं हुआ। इनकी प्रोफाइल बता दूं, 3 बार रिफ्यूज थी, एक बार तो स्टडी वीजा की रिफ्यूज थी 2014-15 में, बट उसके बाद 2 बार इनकी जो है रिफ्यूजल टूरिस्ट वीजा की थी होटल बुकिंग पे, हमने भी इनका होटल बुकिंग पर भी लगाया। पुनीत इमिग्रेशन आपको देखेगी जी के बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने में या विजिटर वीजा अप्लाई करने में, चाहे होटल बुकिंग है चाहे स्पॉन्सर है। इनके पास फंड कितना था, इनके पास 6 लाख तो लिक्विड था एंड 5 लाख की इनकी एफडी थी, सो टोटल इनके पास 11 लाख के अराउंड फंड था। कुछ इनके हस्बैंड के पास फंड था वो भी हमने इंक्लूड किया, बट इनका सिंगल हमने अप्लाई किया ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स थी, बट इनका ड्रीम हमने दिखाया, जो पर्पस ऑफ ट्रैवल हमने बनाया विद पिक्चर्स के साथ हमने बनाया कि ये घूमना क्यों चाहती है। इनकी गुजरात से है, इनकी प्रोफाइल अच्छी थी, बट आई डोंट नो कि पहले क्यों रिफ्यूजल आ गई, मुझे लगता है कि फाइल अच्छे ढंग से नहीं लगी, दैट्स व्हाई इनकी पहले रिफ्यूजल आई है। बट अगर आज इनकी बात करें तो ये सॉफ्टवेयर की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, इनकी पे 25,000-30,000 के अराउंड इनकी पे है। सो ये प्रोफाइल के ऊपर वीजा रहे हैं और ये आप देख सकते हो कि रिसेंटली हमारे पास पिछले एक वीक में 15-20 पासपोर्ट है जो स्टैंप होकर आए हैं, 15-20 पासपोर्ट, ज्यादातर होटल बुकिंग टूरिस्ट वीजा या फिर स्पॉन्सर बेस्ड टूर विजिटर वीजा है उनके ऊपर आ रहे हैं। अब वीजा है जी आपका, वीजा ट्रेंड आपको देखने को मिल गया जी, इतनी ज्यादा रिफ्यूजल्स के बाद भी वीजा मिलता है। जो वर्क परमिट आपका जो बंद किया गया है ना, जो आपको पता है कि जी ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते जब इनसाइड कनाडा में हो, तो आपने आई होप के काफी वीडियोस देख ली होंगी। देखो इसमें क्या है कि जी मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि वर्क परमिट स्टिल यू कैन अप्लाई, ठीक है, वर्क परमिट आप स्टिल ले सकते हो आफ्टर रीचिंग कनाडा बॉर्डर पे जाके आप वर्क परमिट ले सकते हो। वो एक टेम्परेरी पॉलिसी थी जो बंद किया है जब कोविड आया था कि लोग बॉर्डर पे नहीं जा सकते या फिर बाहर नहीं जा सकते, उनको काम करने वालों की नीड थी, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे, घर बैठे बैठे लैपटॉप पे अप्लाई कर सकते, वो एक टेम्परेरी पॉलिसी थी, वो अभी उनकी उन्होंने जो है बंद की है। बाकी आप देख सकते हो जी अच्छा वीजा ट्रेंड चल रहा है, ऐसे पासपोर्ट स्टैंप हैं जो हमारे पास डेली होकर आते हैं। सो आप भी अपना अगर वीजा अप्लाई करवाना चाहते हो, कनाडा जाने का ड्रीम पूरा करना चाहते हो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में और बहुत ही कम समय में आप कनाडा जाना चाहते हो, तो पुनीत इमिग्रेशन को एक बार जरूर कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि हम कम से कम खर्चे में आपको कनाडा पहुंचाने की कोशिश है जो करते हैं। एंड हमारा जो होता है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें, आपको पूरी डिटेल्स बताकर रखें, जो भी फाइल में डॉक्यूमेंट लग रहा है सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन के ऊपर हम होटल बुकिंग के ऊपर वीजा है जो एप्लीकेंट का लेकर आते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है जी, प्रोसेसिंग टाइम नो डाउट ऑनलाइन 70 डेज पहुंच गया है, बट उससे भी पहले पहले वीजे आपको ऐसे देखने को स्टार्ट हो चुके हैं जी। एंड बाकी वीजा ट्रेंड अच्छा है एंड आपने अगर अप्लाई करना है देन देयर इज नो राइट टाइम, देयर इज नो रॉन्ग टाइम, इट्स ऑल अबाउट योर कंसल्टेंट या फिर आपकी प्रोफाइल। सो अभी कॉन्टेक्ट करो पुनीत इमिग्रेशन को अगर आप अपना वीजा जल्दी लेना चाहते हो, कम खर्चे में लेना चाहते हो और वहां पे जाके काम में हेल्प लेना चाहते हो कि काम कैसे मिलेगा और वहां पे वर्क परमिट भी कन्वर्ट करवाना चाहते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।